Hello friends, in this video we are going to learn about power of chairman. So friends, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी में जो मीटिंग रखी गई है उसका जो सबसे मेन पर्सन है वो है चेयरमैन। अब चेयरमैन अगर किसी मीटिंग को कंडक्ट करता है तो उसके क्या पावर्स होंगे वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के बारे में जिसमें हम बात करेंगे पावर्स ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन के क्या क्या पावर्स है स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पावर है टू कीप ऑर्डर एंड कंडक्ट द मीटिंग प्रॉपरली। सो चेयरमैन का पावर रहेगा यहाँ पर कि मीटिंग को जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में कंडक्ट करें, यानी जैसा मीटिंग होना चाहिए प्रॉपरली उसी ऑर्डर में मीटिंग को जाना चाहिए। जैसे हमने देखा कि कंपनी जिस हिसाब से मीटिंग को बुलाती है उसका नोटिस और एजेंडा जो है वो सारे मेंबर्स को भेजती है। तो जब एजेंडा भेजा जाएगा तो एजेंडा में क्या क्या टॉपिक्स पर डिस्कशन होने वाला है वो सारे के सारे मुद्दे जो है टॉपिक्स जो है वो एजेंडा में बता दिए जाते हैं। तो उसी ऑर्डर के हिसाब से जो है कंपनी प्रॉपरली अपने मीटिंग को कंडक्ट कराती है। सो चेयरमैन को पावर है कि वो कंपनी की मीटिंग को प्रॉपर ऑर्डर में कंडक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स। तो प्रायोरिटी ऑफ स्पीकर्स का मतलब यहां पर यह होगा कि कंपनी में जब मीटिंग रखी जाएगी तो उस मीटिंग के अंदर सारे मेंबर प्रेजेंट होंगे। जब मेंबर प्रेजेंट होंगे तो उन मेंबर्स में किसको पहले बोलने का मौका दिया जाएगा, किसको बाद में बोलने का मौका दिया जाएगा, ये स्पीकर डिसाइड कर सकता है। अब ये बोलेंगे कब, तो बेसिकली ये बोलेंगे कब, जब मोशन रखा जाएगा। तो मोशन पे डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। तो जब डिस्कशन होता है तो वन बाय वन सारे मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाती है कि आप बोले, फिर आप बोले, फिर आप बोले। तो यहाँ पर सारे के सारे मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाती है। तो उसमें किस मेंबर को पहले प्रायोरिटी देना है, किसको बाद में बोलने का मौका देना है और कौन लास्ट में बोलेगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा। यानी चेयरमैन को पावर है कि वो अपने हिसाब से किसी को भी प्रायोरिटी दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन रिलीवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट। टू मेंटेन रिलीवेंसी एंड ऑर्डर इन डिबेट का मतलब बेसिकली हम यहां देखेंगे कि जब मोशन पे डिस्कशन होगा यानी डिबेट होगी, सो उस डिबेट वाले केस में जो मोशन है वो प्रॉपरली डिस्कस हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि टॉपिक पे ही, रिलीवेंसी पे ही टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखा जाएगा। यानी चेयरमैन को यहाँ पर पावर है कि अगर कोई इररिलेवेंट मैटर पे, यानी ऐसे मैटर पे डिस्कस कर रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है या फिर वो हमारे मोशन से रिलेटेड नहीं है, तो अगर ऐसे मुद्दे पर डिबेट हो रही है तो वो डिबेट को रोक सकता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर बात करें तो जिस टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए चेयरमैन को पावर है कि वो उसी टॉपिक पर डिस्कशन कराए। अगर कोई टॉपिक से हटकर डिबेट कर रहा है तो वो उस डिबेट को रोक सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट द यूज ऑफ इम्प्रॉपर लैंग्वेज एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर। सो यहाँ पर अगर कोई बिहेवियर देखा जाए किसी मेंबर का कि वो इम्प्रॉपर है, यानी सही नहीं है किसी तरह से, या फिर उसका लैंग्वेज जो है वो सही नहीं है, तो यानी कि अगर डिबेट के टाइम पे किसी ने कोई रॉन्ग लैंग्वेज यूज किया या हार्श लैंग्वेज यूज किया जो दूसरों को हार्ट कर सकती है, तो ऐसे वाले केस में चेयरमैन जो है उसको रोक सकता है बोलने से या फिर उसके बिहेवियर की वजह से उसे मना कर सकता है किसी चीज के लिए। टू एडजॉर्न द मीटिंग इफ इट इज बिकम इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एंड कंप्लीट द मीटिंग। तो बेसिकली यहाँ पर चेयरमैन को पावर है कि वो मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है, यानी कैंसिल कर सकता है और पोस्टपोन कर सकता है। सो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन है कि मीटिंग कंडक्ट नहीं की जा सकती किसी रीजन से, या तो मीटिंग कंडक्ट कर तो की जा सकती है बट कंप्लीट नहीं की जा सकती किसी रीजन से, बेसिकली यहाँ पर कंडीशन आती है कोरम की। जब मीटिंग में कोरम प्रेजेंट ना हो तो उस केस में चेयरमैन जो है वो मीटिंग को एडजॉर्न कर सकता है और नेक्स्ट वीक सेम डेट सेम टाइम पे वो सेम प्लेस पे उस मीटिंग को रख सकता है। टू गिव कास्टिंग वोट व्हेन वोट इन फेवर ऑफ द प्रपोजल एंड अगेंस्ट ऑफ द प्रपोजल आर इक्वल। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो कास्टिंग वोट के बेसिकली हम यहाँ पर देखें तो कास्टिंग वोट चेयरमैन देता है, और चेयरमैन कब कास्टिंग वोट देता है, जब फेवर ऑफ मोशन और अगेंस्ट ऑफ मोशन दोनों वोट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। यानी जब मीटिंग के अंदर किसी मोशन पर डिस्कशन हो गया और डिस्कशन होने के बाद जब वोटिंग हुई, तो वोटिंग के केस में जो फेवर वाले और अगेंस्ट वाले उन दोनों के वोट क्या हो जाए, इक्वल, और कोई डिसीजन ना लिया जा सके, तो उस केस में चेयरमैन एक एक्स्ट्रा वोट डालेगा जिसको हम कास्टिंग वोट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ वोटिंग। अब यहां पर वोटिंग हो गई, तो वोटिंग होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो रिजल्ट कौन डिक्लेयर करेगा, चेयरमैन। तो बेसिकली यहां पर जब वोटिंग हो जाएगी तो वोटिंग हो जाने के बाद फाइनली उसका रिजल्ट जो है वो चेयरमैन डिक्लेयर करेगा। टू गिव रूलिंग ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। सो बेसिकली पॉइंट ऑफ ऑर्डर की अगर हम बात करें कि मीटिंग अगर कभी प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो रही है
तो मीटिंग जब प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो रही है तो कोई मेंबर जो है वो चेयरमैन का अटेंशन ले सकता है, ध्यान खींच सकता है, उसको आकर्षित कर सकता है कि देखो मीटिंग बराबर कंडक्ट नहीं हो रही है। उस केस में वो क्या रेज करेगा? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो अगर मीटिंग प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो रही है तो अगर चेयरमैन से कोई कहे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले रहा हूं मैं, यानी कि मैं ऐसा एक्शन ले रहा हूं कि यहां पर मीटिंग प्रॉपर कंडक्ट नहीं हो रही है, तो उस केस में चेयरमैन को पावर है कि वो कोई जो इम्प्रॉपर हो रही है या फिर कोई लैंग्वेज प्रॉपर यूज नहीं कर रहा है या मीटिंग की जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में वो कोई भी एक्शन ले सकता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने बात किया कि चेयरमैन के क्या क्या पावर्स हैं जब वो कोई मीटिंग को कंडक्ट करेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।